हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थॉमस कार्लाइल के एक लेक्चर सीरीज ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप की। ये 6 लेक्चर्स हैं जिनको थॉमस कार्लाइल ने 1837 से 1840 के बीच दिया था, और फिर इन लेक्चर्स को 1841 में एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया था। यहाँ पर थॉमस कार्लाइल ने 6 हीरोज को लिया है कि हीरो के क्या क्या रूप हो सकते हैं, उनकी क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है द हीरो एज अ डिविनिटी, सेकंड कहा है हीरो एज प्रॉफिट, थर्ड में कहा है हीरो एज अ पोइट, हीरो एज अ प्रीस्ट, हीरो एज अ मैन ऑफ लेटर्स एंड द हीरो एज अ किंग। सबसे पहली बात ये आती है कि हीरो कौन होते हैं। तो थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि हीरो वो इंसान होते हैं जो डायरेक्टली गॉड से इंस्पायर्ड होते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं जो पूरी तरीके से सच होते हैं और झूठ इनके आसपास भी नहीं भटकता। इन लोगों का एक मिशन होता है जिस मिशन को लेकर ये अपनी पूरी जिंदगी, अपनी लाइफ दांव पर लगा कर रखते हैं, और जितनी भी मुश्किलें आती हैं उन सारी मुश्किलों को, सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। ये लोग सिंसियर होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे इतिहास को बदल कर रख देते हैं। थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि इतिहास कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री कोई चीज़ नहीं है, बस इन्हीं ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले थॉमस कार्लाइल ने लिया है द हीरो एज डिविनिटी। डिविनिटी बोलते हैं ऐसे लोग जो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं, डिवाइनली यानी जो खुदा की तरफ से इंस्पायर होते हैं। थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि डिवाइन ऐसे लोग होते हैं जैसे कि साधु, संत या पुजारी लोग, जो इन लोगों से हमें ये सीखना चाहिए कि वो किस तरह से इस संसार में, इस दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरह से वो हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। और उन लोगों के काम इतने महान होते हैं कि इनको सदियों तक याद रखा जाता है। थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि आज के समय में हर इंसान एक रिलीजन को मानता है। कुछ लोग चर्च को मानते हैं, कुछ लोग टेंपल को मानते हैं, कुछ लोग मॉस्क को मानते हैं, यानी कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग हिंदू हैं या कुछ लोग यहूदी हैं। इस तरह से लोग बटे हुए हैं। लेकिन थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि ये असल जो है इंस्पायर्ड लोग नहीं हो सकते, डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं हो सकते। क्योंकि चाहे अगर एक खुदा को मानने वाले लोग हों, चाहे बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोग हों, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हों, लेकिन वो सही रूप से इंस्पायर्ड नहीं हो सकते, वो डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को कुछ अनसीन वर्ल्ड को देखना है, इस दुनिया के रहस्यों को देखना है, मिस्ट्रीज को देखना है, तो उसको एक धर्म में ना बटकर उसको खुदा को हर तरफ देखना होगा। अगर कोई मुस्लिम है तो उसको देवी देवताओं में खुदा को देखना होगा, इंसानों के अंदर खुदा को देखना होगा, पेड़ पौधों के अंदर खुदा को देखना होगा, यानी हर एक जगह पर खुदा मौजूद है। इसीलिए दूसरे रिलीजन को मानने वाले लोगों को भी इसको फॉलो करना होगा कि वो खुदा को किसी एक जगह ना समझ बैठें, बल्कि वो ये मान कर चलें कि खुदा हर जगह है। थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि हमें इन रिलीजियस प्लेस में कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि जो एक जो चीज़ है जिसके आधार पर हम डिवाइनली इंस्पायर्ड हो सकते हैं, वो है हमारा प्रैक्टिकल बिलीफ, कि हमारा जो विश्वास हो, हमारा जो यकीन हो, वो पूरा प्रैक्टिकल से भरा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जो ठीक हो गया तो ठीक है, जो ठीक नहीं हुआ तो खुदा की ऐसी मर्जी थी, या हमने मेहनत कर कर ये सब किया है, बल्कि इंसान का यकीन इतना मजबूत हो कि जो कुछ भी है वो ईश्वर की तरफ से है, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, जो कुछ भी है सब उसी की तरफ से है। थॉमस कार्लाइल ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो वर्क है उसको इसके एग्जाम्पल के रूप में पेश किया है। सेकंड वो बताते हैं द हीरो एज अ प्रॉफिट। हीरो एज अ प्रॉफिट में सबसे पहले थॉमस कार्लाइल मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं कि मोहम्मद साहब को अरब देश के अंदर भेजा गया, और मोहम्मद साहब किसी जो है अपने आप को गॉड तो नहीं कहते थे, लेकिन हाँ वो गॉड की तरफ से इंस्पायर्ड थे। अगर दुनिया में किसी को सबसे सबसे सच्चा इंसान कहा जा सकता है तो वो मोहम्मद साहब हैं।
अरब के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनका देश भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि पूरे अरब के अंदर पूरा रेत ही रेत है, लेकिन फिर भी वहाँ समुंदर की तरह एक शांति है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और हमेशा वफादार रहते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं यहाँ के। इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि एक दिन वो आएगा जब के लोग पूरी दुनिया के लिए नोटेबल बन जाएंगे, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे मेहमान नवाजी करने के लिए। थॉमस कार्लाइल बताते हैं कि 557 में मोहम्मद साहब को अरब के अंदर भेजा गया और अपने बचपन से ही मोहम्मद साहब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान थे। जब उनकी लाइफ 40 साल में जब उनकी लाइफ पहुंची तो उस समय उनको प्रॉफिट का टाइटल दिया गया। हालांकि उससे पहले ही इनके दोस्त इनको द फेथफुल यानी अमीन कहकर पुकारते थे। जब थोड़े बड़े हुए मोहम्मद साहब तो मक्का की एक पहाड़ी में जाकर इन्होंने लगभग 1 महीने तक मेडिटेशन किया, प्रार्थना की और एक दिन उसी पहाड़ी के अंदर इन्होंने एक आवाज़ को सुना। इन्होंने घर पर आकर अपनी वाइफ खदीजा को बताया कि आज मैंने पहाड़ी के अंदर आसमान से एक आवाज़ को सुना है। वो आवाज़ कह रही थी कि ये जो देवी देवता हैं इनमें कुछ नहीं है बल्कि दुनिया को चलाने वाला और तुम्हारा मालिक, तुम्हारा ईश्वर एक अकेला खुदा है, एक अकेला ईश्वर है जो सर्वे सर्वा है। वही गॉड, वही ईश्वर हकीकत है, वही रियलिटी है और वही ग्रेट है। मोहम्मद साहब हमेशा संजीदा रहा करते थे और वो इस दुनिया के जो रहस्य हैं, जो मिस्ट्रीज हैं, उनमें हमेशा उनको सोल्व करने की कोशिश किया करते थे। थॉमस कार्लाइल बताते हैं कि मैंने मोहम्मद साहब को जितना पढ़ा है और कुरान के बारे में मैंने पढ़ा है, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर नज़र आई है वो है सिंसियरिटी। इस्लाम को मानने वाले लोग आज भी इस्लाम को दिल से मानते हैं और दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो इस्लाम है, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि पूरी दुनिया में इसको मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग मौजूद होंगे। मोहम्मद साहब के आने से पहले अरब के लोग शेफर्ड थे, चरवाहे थे, पैसे नहीं थे, मतलब इतने कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन मोहम्मद साहब के आने के बाद में आज ये लोग पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बने हुए हैं। हर चीज़ की वहाँ पर खुशहाली है, चाहे वो पैसों को लेकर हम देखें, चाहे वहाँ की बिल्डिंग्स को लेकर हम लोग देखें, चाहे वहाँ का खाना पीना, हर चीज़ को लेकर वहाँ पर एक खुशहाली है। तो थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि एक समय था जब उन लोगों के यहाँ पर भूखमरी थी और बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन आज देखते हैं कि दिल्ली भी इन लोगों के हाथ में है। उस समय जिस समय थॉमस कार्लाइल थे तो उस समय यहाँ पर मुगलों का शासन था। तो कहते हैं कि एक समय वो लोग भूखमरी से जूझ रहे थे, लेकिन आज दिल्ली और इंडिया जैसे देश भी उनके हाथों में है, वहाँ की राजधानी भी उनके हाथों में है। थर्ड नंबर पर वो बताते हैं कि द हीरो एज अ पोइट। थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि चाहे वो डिविनिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, वो पुराने समय की बात हुआ करती थी, लेकिन आज ना तो कोई प्रॉफिट पैदा होते हैं और ना ही डिविनिटी यानी इस तरह की पर्सनालिटीज पैदा होती हैं, जबकि पोइट आज भी पैदा होते हैं। हम देखते हैं कि पोइट भी एक हीरो के रूप में होते हैं, हालांकि उनके अंदर इतनी एम्बिशन नहीं होती और ना ही वो इतने क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी वो समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर हमेशा अपनी चिंता जताते रहते हैं। चाहे प्रॉफिट हो और चाहे पोएट हो, वो हमेशा इस ब्रह्मांड के जो सीक्रेट हैं, जो रहस्य हैं, उनको खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है वो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, हमेशा संजीदा रहते हैं, सीरियस रहते हैं, जबकि पोएट थोड़ा सा एंथुसियाज्म की तरफ रहते हैं, यानी जो ब्यूटी है उसकी तरफ अपना झुकाव रखते हैं। थॉमस कार्लाइल ने यहाँ पर दो पर्सनालिटीज़ को लिया है। सबसे पहले दांते को लिया है। दांते एक इटली के पोएट हैं और शेक्सपियर इंग्लैंड के हैं। थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि दांते इन्होंने जो इंसानों का जो इनर पार्ट है, इंसानों का जो दिल है, उसको लेकर लिखा है, और इसी के अलावा जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड है, चाहे वो आत्माएं हो, चाहे इंसान की सोल्स हो, जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड है उसको लेकर दांते ने काफ़ी कुछ लिखा है। उसने तीन वर्ल्ड की बात की है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फर्नो, सेकंड बात करते हैं परगेटोरियो और थर्ड के पैराडाइजो।
दांते एक ऐसा स्टार है, एक ऐसा सितारा है जो हमेशा प्योर होकर जलता है, जिसके अंदर किसी भी तरह की बुराई नहीं है। हमेशा वो इंसान की आत्मा को शुद्ध करने की बात करते हैं, उसको प्योर करने की बात करते हैं। जबकि शेक्सपियर ने आउटर लाइफ को दिखाया है, दांते ने इनर लाइफ को दिखाया है और शेक्सपियर ने आउटर लाइफ को दिखाया है। कार्लाइल बताते हैं कि यूरोप की जो आउटर बॉडी है उसको शेक्सपियर बताते हैं, और यूरोप की जो इनर बॉडी है वहाँ के लोगों की सोल कैसी होनी चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को दांते बताते हैं। फोर नंबर पर थॉमस कार्लाइल हीरो एज अ प्रीस्ट लेते हैं। प्रीस्ट माने जो साधु संत लोग होते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो साधु संत हैं वो भी डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं मार्टिन लूथर का और नॉक्स का। कहा है कि ये लोग भी अपने तरीके से प्रॉफिट की तरह काम करते हैं। जैसे कि मार्टिन लूथर है, उन्होंने आइडल ब्रेकर कहा, यानी जो देवी देवता हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको तोड़ने की बात मार्टिन लूथर करते हैं। और वो कहते हैं कि इंसान को रियलिटी में रहना चाहिए, उनको एजुकेशन सीखनी चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए। तो मार्टिन लूथर की काफ़ी तारीफ की है। और दूसरे नंबर पर वो बताते हैं कि मार्टिन लूथर ने किस तरह से पोप को चैलेंज किया, क्योंकि उनके समय में ये हो रहा था कि जो चर्च की अथॉरिटी थी वो लोगों को जो है पैसों के बदले में माफ़ी दे दिया करते थे। तो मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इंसान को माफ़ करना और इंसान को सज़ा देना ये खुदा का काम है, इंसान इंसान को माफ़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मार्टिन लूथर की काफ़ी तारीफ थॉमस कार्लाइल ने की है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।